क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो प्रश्नावली 13.2 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं और जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो अभी हमने सब कर लिया है, उसके लिंक्स भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। साथ ही साथ हम साइंस भी पढ़ रहे हैं तो उसके लिंक्स भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप सर्च कर सकते हैं कैसे क्लास 10th जो भी एक्सरसाइज या जो भी चैप्टर है वो लिख के, ठीक है। अगर मैथ है तो मैथ लिख देना, साइंस है तो साइंस का लिख देना, और आगे लिख देना चैनल का नाम मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो सारे वीडियो आपको टॉप पे मिल जाएंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारा सूत्र। सूत्र आपको याद करना ही पड़ेगा, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। कह रहे हैं जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 लेना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। कहने एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो एक नंबर में है, इतना सरल क्वेश्चन है, ठीक है, इतना आसान है। प्रश्नावली हमारी है 13.2, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है, हमारे पास एक अर्धगोला है, ठीक है, ये हमारा अर्धगोला है। अर्धगोले के ऊपर उसी त्रिज्या का एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होता है ऊपर रखा हुआ होना, और जब भी अध्यारोपित बोलेगा ना उसकी त्रिज्या और उसकी त्रिज्या, मतलब शंकु बोला है और अर्धगोला बोला है, जो भी दो चीज़ बोलेंगे उनकी त्रिज्या आपस में बराबर हो जाती हैं। अध्यारोपित का मतलब एक के ऊपर एक वस्तु को रखना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, ये जो त्रिज्या है ना वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। जब अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो ऑटोमेटिकली हमारा शंकु का त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में ये बोला है कि जो शंकु की ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर, यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे दिया है। सबसे पहले शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर मान लेते हैं, वो कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई क्या है, देखो शंकु की ऊंचाई इसी त्रिज्या के बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, यानी कि एच हमारे पास कितना है, 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई को x से प्रदर्शित कर रहे हैं, और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो भी 1 सेंटीमीटर है। अगर इस ये 1 सेंटीमीटर को आपने r से प्रदर्शित किया तो इसको भी r से ही प्रदर्शित करना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ये जो ठोस बर्तन आपको दिख रहा है इसका क्या निकालना है, आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है, उस वस्तु के अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, यानी कि अगर आपके पास एक बाल्टी है, एक बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, तो वो हुआ आयतन। और कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है, वो हुआ क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आर का और एच का मान नीचे रख देना है, पाई का मान नहीं रखना है, क्योंकि पाई के पदों में आपको आंसर निकालना है, क्वेश्चन में ये बोला है। आर कितना है, 1 की घात 3, पाई आर 1 की घात 2, एच क्या बोला है, 1, ठीक है, मान रख दिए। आपको पता है 1 की घात कितनी भी हो वो 1 ही रहता है, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते तो वही रहता है, 1 का वर्ग 1, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही रहता है।
तो देखो इसके बट्टे में भी तीन है और इसके बट्टे में भी तीन है, तो जब नीचे समान होता है तो लॉ सुबह वही आ जाता है, और जब नीचे समान होने पर ऊपर जो लिखा होता है वही वैसा का वैसा जोड़ देते हैं, पाई एकम पाई। तो दो पाई में पाई जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तीन पाई बट्टे तीन, तीन से तीन कटा, आंसर आएगा पाई। चूँकि आयतन है तो आयतन के लिए जो भी मात्रक होता है उसकी घात कितनी हो जाती है, तीन। तो जो ठोस का आयतन होगा वो होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था, आराम से कर लिया हमने। ठीक है, आप एनसीईआरटी से भी मैच कर सकते हैं आंसर को। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। कह रहे हैं एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे विरन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, मतलब टोटल मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर है, तो ये थोड़ा और भ्रमित कर दिया है आपको इस लाइन ने, क्योंकि अंदर की बात, आयतन तो पानी तो अंदर ही जमा होगा ना, बाहर तो थोड़ी ना जमा होगा, आयतन हमेशा अंदर ही रहता है, जो भी पात्र होगा ना पात्र के अंदर ही रहता है। तो बाहर की त्रिज्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें त्रिज्या लेना है अंदर की त्रिज्या से, आंतरिक त्रिज्या से, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले, वो तो आपको खुद से ही समझना चाहिए। अब क्वेश्चन तो दे दिया आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चित्र बनाओ, है ना। पहले चित्र मैं बना के दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर दो है, हमें बोला है हमारे पास एक बेलन है, ठीक है, हमारे पास एक बेलन है और बेलन के दोनों तरफ दो समान टाइप के शंकु लगे हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है। और इसकी जो कुल ऊंचाई है, इस पात्र की जो कुल ऊंचाई है, ठीक है, वो कितना बोला है क्वेश्चन में, वो बोला है 12 सेंटीमीटर टोटल ऊंचाई, पूरा ये जो सॉलिड पात्र बना है हमारा। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो इसकी ऊंचाई है, जो शंकु लगे हैं इसकी जो ऊंचाई है वो कितने है, 2 सेंटीमीटर। ये भी 2 सेंटीमीटर का है और ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ये छोटे ऊंचाई है, इसको मैंने छोटा एस से प्रेजेंट किया है। अब देखो बेलन की ऊंचाई भी चाहिए होगी, ठीक है। और अच्छा, और एक चीज़ हमें क्या दे रखा है कि जो व्यास है, ठीक है, जो व्यास है वो कितना दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना दे रखा है, मैं लिख देता हूँ पूरा, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकल जाएगा आराम से, ठीक है। अब आपको अगर ये ऊंचाई निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई निकालनी है, इसे कैपिटल एच बोलते हैं, ठीक है ना, बेलन की ऊंचाई, तो क्या करना होगा, टोटल में से इतना माइनस करना होगा और इतना माइनस करना होगा, तो इतना बचेगा। तो इतना कितना है, 2 और 2 4 घटाना होगा किसमें से, 12 में से, ठीक है ना, कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, शंकु व, ये शंकु की त्रिज्या भी होगी और शंकु व बेलन, एक साल लिख दे रहा हूँ, शंकु व बेलन की त्रिज्या, क्योंकि अध्यारोपित जब भी जब बोलेगा तो दोनों की त्रिज्या समान हो जाती हैं। तो व्यास 3 है तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आती 3/2 सेंटीमीटर। फिर आज शंकु की जो ऊंचाई बोली है स्मॉल एच, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर बेलन की ऊंचाई आ जाओ, ये जो बेलन है बेलन की ऊंचाई पे आ जाओ, कैपिटल एच, वो कितना है हमारे पास, वो है 8 सेंटीमीटर, वो हमने पहले ही निकाल रखा है, ठीक है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या बोला है, मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन 2 शंकु का आयतन जोड़ देंगे, है ना।
बेलन का आयतन प्लस दो शंकु का आयतन। कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र रखते हैं। बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का एच इसको ये माना है दो गुणे में। शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है, एक बटे तीन पाई आर। शंकु का एच हमने छोटा वाला एच माना है, ठीक है। अब तो हमें क्या करना है, बस मान रखना है। पाई का मान अभी मत रखना, पाई ऐसे का वैसे रखो। आर कितना है हमारे पास, तीन बट्टे दो का स्क्वायर। और एच कितना है हमारे पास, इंटू में एट, दो एक कम दो बट्टे में तीन पाई। आर का मान हमारे पास तीन बट्टे दो है, और एच का मान हमारे पास कितना है, छोटा वाला दो। तो यहाँ से आ गया, यहाँ से तीन तीन नौ, नौ अट्ठे बहत्तर बट्टे चार, ठीक है। दो का वर्ग चार हो जाएगा, टू पाई बाई थ्री, यहाँ से हो जाएगा नौ गुणे में बट्टे में चार दो। तो यहाँ से देखो, दो दुनी चार, दो से दो कटा, तीन तीन नौ कटेगा बहत्तर, चार एक कम चार, तीन बचा बत्तीस जगह, चार अटे बत्तीस। तो यहाँ से अट्ठारह पाई और यहाँ से तीन पाई। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, ठीक है। यहाँ से अट्ठारह पाई और यहाँ से तीन पाई, तो कितना हो गया टोटल, अट्ठारह और तीन इक्कीस पाई। क्वेश्चन में बोला है पाई का मान कितना रखना है, बाईस बट्टे सात रख देते हैं। 21 पाई का मान 22 बट्टे सात, सात तिया 21, 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्या जाएगा आंसर, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो क्या दिया है, क्या निकालना है। सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और जब आप गुणा भाग करो तो वो सही से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मतलब गुलाब जामुन का जितना आयतन है ना, आप गुलाब जामुन के जैसे निचोड़ते हो तो उसमें रस निकलता है ना, तो बोल रहा है जितना उसका आयतन होता है ना, उसमें उसके 30% चाशनी होती है, मीठा मीठा चटनी होता है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये चित्र दे रखा है हमें, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। मतलब एक गुलाब जामुन की पहले बात करते हैं, एक का पता चल गया तो 45 से गुणा कर देंगे, क्यों। क्या बोला है, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्ध गोला है, ऐसे, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर जो ये व्यास है, ठीक है, व्यास हमें दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 का जो आधा होता है वो होता है 1.4, त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से भी 1.4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये ऊंचाई निकालनी है h, तो कैसे निकलेगा h, 5 में से इधर से 1.4 और इधर से 1.4, यानी कि 2.8 क्या करना होगा, घटाना होगा, घटाना आता होगा, ऐसे लिखेंगे 5.00, कितना घटाना, 2.8, जीरो में से जीरो गया जीरो, दस में से आठ गया दो, इसने हासिल दे दी थी, दो में से दो गया 2.2, एच कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रॉपर जो दिया है वो लिख देते हैं, दिया है बेलन तथा अर्ध गोले की त्रिज्या आर,
को कितनी दे रखी है वो हमें 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई h बराबर अभी आपने निकाला 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको हम लिखेंगे अतः एक गुलाब जामुन का आयतन, तो एक गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोले का आयतन। ठीक, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है दो सही हो रहा है ना क्वेश्चन, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही मैं। हाँ, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और दो अर्धगोले का आयतन होता है दो बट्टे तीन पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये एक गुलाब जामुन का है। ठीक है, अगर आपसे बोलता है 45 गुलाब जामुन का निकालो, ठीक है, तो क्या करना होता है, 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो इसमें 45 से गुणा कर देते हैं, सिंपल एक ही जगह हो जा रहा है। अब पाई का मान मत रखो, है ना, देखो क्या कॉमन दिख रहा है, पाई इधर भी है पाई इधर भी, आर स्क्वायर इसमें भी आ जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ से एच बचा, दो दूनी चार बट्टा तीन, पाई बाहर आ चुका है आर स्क्वायर बाहर आ चुका है, तो यहाँ से आर बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई, पाई का मान इस क्वेश्चन में कितना रखने के लिए बोला है, कुछ नहीं बोले, पाई का मान पाई बट्टे सात ही रखेंगे, आर का मान 1.4 स्क्वायर है तो 1.4 × 1.4, एच का मान 2.2 चार बट्टे तीन, और आर का मान कितना है 1.4, और इधर गुणा में 45। अब गुणा भाग तो आपको अच्छे से आना चाहिए ना, गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए, वो आपका काम है। अगर मैं गुणा भाग सिखाने लग गया फिर तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। अब कैलकुलेशन आप पर है कि आप कितनी जल्दी करते हो कितना देरी करते हो, कैलकुलेशन आप पर है, अच्छे से करना कैलकुलेशन को। ठीक है, जैसे 7 × 14, ठीक है, इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो जो आपको मिलेगा ना, खाली मूली इतना गुणा भाग करके करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये मिलेगा 11.27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाएगा 45 गुलाब जामुन में। ये 45 गुलाब जामुन का क्या जाएगा आयतन, इसको जब आप सरल करोगे तो। अब लिखोगे प्रश्नानुसार चाशनी निकालना, तो चाशनी क्या है हमारे पास, कुल आयतन का 30%, यानी कुल आयतन कितना है 11.27 का मतलब गुणा 30% का मतलब बट्टे में 100। ठीक है, इसको 3 से गुणा करो 10 से भाग दे दो। ठीक है, तो इसको 3 से गुणा करके 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो लगभग अगर बात की जाए तो 338 लिख सकते हो कि 338 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यही आंसर NCERT में लिखा होगा आपके पीछे लगभग में। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, बड़ा शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, एक कलमदान घनाप के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, कलम की विमाएँ इतनी 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 है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या इतनी है और गहराई इतनी है, पूरी कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयतन निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन जब हम कर रहे थे पृष्ठ क्षेत्रफल में हम जोड़ देते थे,
लेकिन यहाँ पर घटाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें आयतन की बात करनी है। ठीक है, ये ऐसा एक हमारे पास ना लकड़ी का कलमदान था। अब लकड़ी सॉलिड था, ठोस लकड़ी था, उसमें से चार शंकु काटे गए हैं सेम टाइप के, ऐसे ऐसे। ठीक है, उसके अंदर हमें कलम रखना है। तो ये काट के ना निकाल दिया गया है, ये हिस्सा बाहर फेंक दिया है लकड़ी का। तो ये सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा बचा हुआ है, तो ये सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा जो लकड़ी का बचा हुआ, अगर वो हमें निकालना है तो क्या करना होगा, लकड़ी का जो आयतन था यानी कि घनाभ के आयतन में से चार शंकु का आयतन क्या करना होगा, घटा देना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, तो अगर एक शंकु को मैं प्रॉपर बनाऊँ बड़े करके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, शंकु, जो शंकु की त्रिज्या हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर, और गहराई यानी कि ऊंचाई दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ये दे रखा है हमें 0.5 सेंटीमीटर, और ये जो ऊंचाई h है ये दे रखा है हमें 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे दिया है, पेन ख़त्म, दिया है, पहले लिखते हैं घनाभ की विमा, ठीक है, लंबाई हमें दे रखी है क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, गुणे के रूप में दे रखा है, इतना गुणा है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के रूप में दे रखा है। और शंकु की त्रिज्या आर हमें दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई वो हमें दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, बचे हुए लकड़ी का आयतन यही निकालना है हमें। तो कैसे निकलेगा, जब हम घनाभ के आयतन में से चार शंकु घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन माइनस चार शंकु का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लंबाई है 15 × 10 × 3.5 4/3। ठीक है, पाई का मान क्या रखना, 22/7। आर हमें दे रखा 0.5, स्क्वायर है तो 2 × 2 में हो जाएगा, और एच का मान है 1.4, 7 × 2 = 14। ठीक है, यहाँ से गुणा करो 15, 3.5 × 10 35, 350 हो जाएगा 0.1 स्थान के बाद, यानी 35 हो गया। ठीक है, हम बट्टे में 3 है, ऊपर ऊपर गुणा करोगे ना, सबको ऊपर ऊपर गुणा करोगे तो आ जाएगा 4.4। ठीक है, बट्टे में 3, 35 × 15 करोगे तो आपको मिलेगा 525, और 4.4 को 3 से जब भाग दोगे तो आपको मिलेगा 1.47। 525.00 उसमें से जब 1.47 घटाओगे, ठीक है, 9 × 5 = 5, तो आपको आंसर मिलेगा 523.53 सेंटीमीटर की। तो ये पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन होगा कितना, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपरी शीरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनकी
जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियाँ की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब एक मैं आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले एक लॉजिक बताता हूँ जो आप घर पे करते होगे। आपने देखा होगा एक बाल्टी होती है पूरी पानी से लबालब भरी हुई है, ठीक है। जब आप उसके अंदर यूँ हाथ डुबोते हो तो पानी बाहर आ जाता है। पता है कितना पानी बाहर आता है? जितना आपके हाथ का आयतन होगा ना उतना ही हिस्से का पानी बाहर आता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, हमारे पास एक बर्तन है जो कि एक उल्टे शंकु के आकार का है, ये पूरी पानी से भरी हुई है। अब इसके अंदर कुछ गोलियां डाली जा रही हैं, ठीक है। तो जितनी गोलियां डाली गई उतनी ही आयतन का पानी बाहर आएगा। तो इसमें बोला है कि पानी जो बाहर गिर रहा है, पानी जो बाहर गिर रहा है ना, वो एक चौथाई पानी बाहर गिर रहा है शंकु के आयतन का। मतलब अगर इसमें 4 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी बाहर गिर जा रहा है, और 1 लीटर पानी का जितना आयतन होगा उतना ही आयतन किसका है? इन गोलियों का है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना गोलियों की संख्या n है। ठीक है, तो ये जो शंकु है ना, क्वेश्चन में दे रखा है शंकु की त्रिज्या पाँच सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, और शंकु की जो ऊंचाई है ना वो हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ऊंचाई है वो कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार लॉजिक क्या बना हमारे पास? जितनी हमारे पास गोली है n गुणा जितने n गोलियों का आयतन किसके बराबर होगा? जितना गोली है उतना ही पानी बाहर गिरा है, पानी कितना बाहर गिरा है? शंकु के आयतन का एक चौथाई, शंकु के आयतन का एक चौथाई भाग पानी बाहर गिर रहा है। ठीक है, और यही n हमें निकालना है। गोले का आयतन सूत्र क्या होता है? 4/3 πr³। देखो, अच्छा गोला तो मैंने बनाया ही नहीं, ये हमारे पास मान लिया गोला, बड़ा करके दिखा दिया। इसकी जो त्रिज्या हमें दे रखी है ना, वो क्वेश्चन में दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको छोटे r से दिखाया। तो लिख देना गोले की त्रिज्या r = 0.5 सेंटीमीटर, और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 πr², चूँकि यहाँ इस वाले को छोटे r से दिखाया है तो इस वाले को हम बड़े r से दिखाएंगे, और h बट्टे में कितना है? 4, तो 3 के साथ गुणे में लिख दूँ, शॉर्ट ट्रिक। बट्टे में भी 3 था, ये भी बट्टे में 4 था, तो ये बट्टे वाले आपस में गुणे में चले जाते हैं। ठीक है, देखो इसके बट्टे में भी 3 है, इसके बट्टे में 3 है, कैंसिल। इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, कैंसिल। ठीक है, एन आर का मान कितना? छोटे वाले आर का मान 0.5 × 3, और बड़े वाले आर का मान 5 है, और एच का मान 8 है। एन निकालना, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में 5 × 25 × 8, तो ये हो जाएगा 0.5 0.5, क्योंकि घात 3 का मतलब होता है 3 बार गुणे में। अब देखो, दशमलव हटाया, एक संख्या एक जीरो बढ़ गई, दशमलव हटाया एक संख्या एक लिखा एक संख्या एक जीरो बढ़ गई, दशमलव हटाएं एक संख्या है एक जीरो बढ़ गई, 5 × 10 5 × 10 5 × 10, तो ये क्या हो गया? 2 × 4 × 8, और यहाँ पर पहले से 8 है, 8 × 8 = 64। ठीक है, 8 × 8 कितना हो गया? 64। सही तो किया है हमने, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है? लग तो रहा है कहीं गड़बड़ हो रही है हमसे। हाँ, गड़बड़ क्या हो रही है? ये 4 छोड़ के आया, देखो ये बट्टे में 4 तो हमने लिया ही नहीं है,
है ना, ये भी तो बट्टे में आएगा, चार चार छोड़ रहा था, ठीक है, बट्टे में क्या जाएगा चार, वो चार हमसे छोड़ रहा था, चार एकम चार, ठीक है, कितना हो गया, 24, चार छंग 24, तो 25 × 16, फिर भी गड़बड़ लग रहा है, कहीं पर हमसे गड़बड़ हो रही है ना, फिर भी हमसे कहीं गड़बड़ हो रही है, देख लेते हैं कैलकुलेशन में, यहाँ तक तो पूरा सही है, यहाँ का बट्टे का चार कहाँ गया, अच्छा यहाँ का बट्टे का चार भी तो छूट गया था, देखो ठीक है, देखो यहाँ यहाँ लिखा, ये चार तो ये वाला है बट्टे में, ये वाला चार भी तुमसे छूट रहा था, तो हमें फिर से चार से को भाग देना पड़ेगा, ठीक है, 25 × 100, तो कितने गोलियाँ डाली जाएंगी, 100 गोलियाँ डाली जाएंगी, ठीक है, सो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, वो देख लेना, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो गई हमसे, तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर छठा, कह रहे हैं ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के, जिस पर 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, मतलब आरोपित है, अध्यारोपित नहीं बोला है, आपकी बार अध्यारोपित जब बोलेगा जब दोनों की त्रिज्या समान हो जाती है, आरोपित बोला है, मतलब ऊपर रखा हुआ है, लोहे का स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, ठीक है, कितना द्रव्यमान हमें निकालना है, तो द्रव्य के हिंट क्या दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो जो भी हमारा लोहे का स्तंभ है उसका आयतन निकाल लो और उसको 8 से गुणा कर दो तो द्रव्यमान निकल जाएगा, सीधा लॉजिक, ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा है हमारा, ये लोहे का स्तंभ है, एक बड़ा बेलन है और इसके ऊपर एक छोटा बेलन है, ठीक है, बड़े बेलन की जो त्रिज्या है आधार है वो का जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 220 सेंटीमीटर, सब क्वेश्चन में दे रखे हैं, और छोटे वाले की जो ऊंचाई है वो बोला है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी बोली है 8 सेंटीमीटर, तो अगर ये व्यास 24 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे दिया है बड़े वाले बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर वो कितनी होगी 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कैपिटल एच वो कितनी है 220 सेंटीमीटर, फिर छोटे बेलन की त्रिज्या वो कितनी है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच वो कितनी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो दिया था वो हमने लिख दिया, अब प्रश्नानुसार ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या होगा, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, तो बड़े बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना, सारे बड़े बड़े छोटे में सारा छोटा छोटा लगा दो पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या कॉमन है पाई, कॉमन का मतलब तो उभयनिष्ठ दोनों में क्या है पाई, पाई तो बाहर आ गया ना, तो यहाँ से बचेगा आर स्क्वायर एच, मान रखते हैं पाई का मान इस क्वेश्चन में रखना है 3.14, बड़ा वाला आ रहा है 12, 12 की घात 2,
एच का मान हमारे पास है 220, छोटे वाले आर का मान है 8 और एच का मान है 60। 12 का वर्ग होता है 144, 220 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, यहाँ से आ गया 3.14। अब तो अंदर गुणा भाग करना है, इसको इससे गुणा करोगे तो आ जाएगा 3 1 6 8 0, इसको इससे गुणा करोगे तो 3 8 4 0। इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 3 5 5 2 0, फिर इसको इससे गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 1 1 1 5 3 2.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको लग रहा होगा इतना फास्ट कैलकुलेशन में क्या कर रहा हूँ, मैंने कैलकुलेट पहले ही कर रखा है साइड पे, वहाँ से देख के लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर इनको गुणा करके दिखाऊँ तो वीडियो बड़ी लंबी बन जाएगी, मेरे को लंबा वीडियो बनाना पसंद नहीं, क्योंकि गुणा भाग जोड़ घटाना ये तो आपको आता ही है, आपको तो क्वेश्चन सीखने से मतलब है। अब ये इतना आयतन हमारा आ गया, चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 8 ग्राम है, इसलिए जितना भी आया है 1153.28 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 8 से आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, ठीक है, तो जब 8 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इतना ग्राम। ठीक है, अगर आपको किलोग्राम में आंसर निकालना है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से भाग दे दो, अगर आपको किलोग्राम में आंसर निकालना है तो 0.3 स्थान के बाद और आ जाएगा 1 2 3, यहाँ लग जाएगा 0.। ठीक है, तो 892 kg हो जाएगा लगभग आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड लास्ट, मतलब इस एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, कह रहे एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्ति बेलन के इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन को पहले देखना, समझना, हमसे पहले बोला है कि आपके पास एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, पहले इसी की बात हम कर लेते हैं। जो शंकु बोला है ना, शंकु की जो ऊंचाई बोली है एच, ठीक है, वो हमारे पास कितना है, 120 सेंटीमीटर है, और जो त्रिज्या बोला है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर है, तो 120 यहाँ तक और ये 60 यहाँ तक, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो गई, 180। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो ठोस है ना उसको एक बेलन में डाला गया है, ठीक है, जिस बेलन में डाला गया है उसकी त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और उस बेलन की जो कुल ऊंचाई वो 180 है, यानी कि इस ऊंचाई के बराबर है, और ये जब डाला जाता है ये जो इसका तली है वो बेलन को छूने लगता है, ये बोला है क्वेश्चन ने, यानी कि पूरा का पूरा फिट हो जाता है। ये हमारा बेलन है, ठीक है, तो जब डाला जाए तो बचे हुए पानी का आयतन निकालना है, बेलन की ऊंचाई कितनी बोली है, बेलन की ऊंचाई हमारे पास 180 सेंटीमीटर है और बेलन की त्रिज्या कितनी बोली है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो कैसे लिखोगे, इसे आप स्मॉल एच बोलो, इसे आप कैपिटल एच बोलो, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो आपसे लिखेंगे दिया है, सातवां क्वेश्चन है, तो अगर पानी का आयतन निकालना, क्या करना पड़ेगा हमें, बेलन के आयतन में से
हमें शंकु के आयतन और अर्धगोले के आयतन को क्या कर देना होगा, घटा देना होगा, ठीक है, तभी ये हिस्सा बचेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो जो दिया है वो लिख लेंगे, बेलन की त्रिज्या आर वो कितना है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ठीक है, वो कितना 180 सेंटीमीटर। फिर शंकु की त्रिज्या वो कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है वो भी है कितनी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रश्नानुसार बचे हुए पानी का आयतन कैसे निकलेगा, बेलन के आयतन में से अर्धगोले के आयतन को और शंकु के आयतन को घटा देना है। बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन माइनस शंकु का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब तो बस इसको सॉल्व ही करना है, वैल्यू रख के आराम से सॉल्व कर दो, ठीक है। पाई की वैल्यू मत रखना अभी, आर हमारे पास कितना है 60, एच हमारे पास कितना है 180, आर क्यूब और फिर से आर हमारे पास 60 और एच हमारे पास 120 है। अब तो देखो भाई इसको सॉल्व करो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी देखिए आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, सॉल्व कैसे करना है, यहाँ से पाई एटलीस्ट पाई 60 स्क्वायर सभी में से कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा 180 बचा, है कि नहीं, ये बाहर आ चुका है तो 2/3 पाई तो बाहर आ चुका है, सिर्फ यहाँ से क्या बचा 2/3 और यहाँ से भी ये बाहर आ चुका है 1/3 120, तो इसको काट सकते हैं 3 चौके, ठीक है। सो ये चीज़ आ गई। अब देखिए ये चीज़ हो जाने के बाद अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7 यह आ जाएगा 6×36 00 180, ठीक है। यहाँ से पाई 60 स्क्वायर बाहर के अंदर तो 60 तो यहाँ गुणे में होगा ना, एक बच जाएगा, तो 3×2 0 तो ये हो जाएगा 40, ठीक है, और यहाँ से भी 40 40 80 तो 22/7 36 180 में से 80 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अब इसको गुणा भाग करके सरल करोगे ना, ऊपर ऊपर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 792 1, 2, 3, 4 7/7। अब 7 से जब भाग दे दोगे तो आपको मिल जाएगा 1, 1, 3, 1, 4, 2, 8, 5, 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में आंसर में लाना है, आपको एनसीईआरटी से मैच करना है, तो मीटर में लाने के लिए क्या होता है, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो आपको 100 से भाग देना होता है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर है, 3 को मीटर में बदलना है तो 3 बार 100 से गुणा करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो 3। अब दशमलव कितने स्थान के बाद आएगा, 2, 2, 4, 6 स्थान के बाद, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ लग जाएगा दशमलव, तो 1.131 इतना ही ले लो, इतना रामायण मत लिखो और यहाँ लिख देना लगभग, क्या मीटर क्यूब में है ये आंसर।
ठीक है, तो सेंटीमीटर को आपने किस में बदल दिया, मीटर में। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन हमारा पास जो आ रहा है, आसान है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत, ठीक है, और पाई का मान क्या है उसका, ना 3.14। तो क्वेश्चन को अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा ना, तो क्या बोल रहा है कि एक गोला है, गोले का जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर है और इस गोले के ऊपर एक बेलन रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और जिसका जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी कि ये क्या बन गया, एक सुराही, एक घड़ा बन गया कहने का मतलब, और इस घड़े में कितना पानी आ सकता है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो घड़ा किस तरीके का है, एक गोला है, गोले के ऊपर क्या रखा हुआ है, बेलन। तो जो बेलन की त्रिज्या होगी, व्यास हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 का आधा क्या होता है 1 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या, और ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। गोले की त्रिज्या, देखो गोले की त्रिज्या क्या होगी, व्यास हमारा 8.5 है तो 8.5 की आधी हो जाएगी, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं घड़े का आयतन, है ना, घड़े घड़े के रूप में देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, सूत्र पता होना चाहिए, गोले का आयतन का होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, मान रखने हैं। तो देखिए 4/3 पाई का मान 3.14 रखना है और आर हमारे पास क्या है, 8.5/2 8.5/2 क्यों, क्योंकि 3 बार गुणे में, प्लस पाई का मान 3.14 आर का मान, अच्छा इस वाले आर का मान दोनों अलग अलग है तो इसे आप बड़ा आर दिखाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आर हमारे पास कितने, 1 है और एच हमारे पास 8 है गुणे में, तो 2 × 4 4 से 4 घटा। अब तो देखो यहाँ पर गुणा भाग का खेल बच रहा है ना, और कुछ नहीं है, तो यहाँ से क्या बचा, 3.14 8.5 × 8.5 × 8.5 3 × 6 और यहाँ है 3.14 × 8, ठीक है। अब इसको गुणा करना, 6 से भाग देना, ठीक है, इसको गुणा करना और 6 से भाग देना पड़ेगा और फिर सरल कर लेना। तो इसको जब पूरा आप हल करोगे ना, इसको जब पूरा आप हल करोगे तो ये मिलेगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। इतना तो आप खुद ही कर सकते हैं गुणा भाग का काम, क्योंकि ये आपको आना चाहिए। मेन चीज़ होता है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो बताना। कैलकुलेशन पार्ट तो आपको खुद ही से करना है, मैं अगर बता दूंगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये कैलकुलेशन आपको खुद अपने हाथों से करनी है। जोड़ घटाना गुणा भाग ये तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, इसमें बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर नहीं आता तो वो आपकी प्रॉब्लम है, उसे आपको सीखना पड़ेगा अभी, ये तो बाद में जाके बहुत दिक्कत हो सकती है।